हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी आ रही है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं व्रत में खाई जाने वाली मिठाई। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फी। इसके लिए हमने लिया 1 किलो लौकी, जिसे घिया भी कहते हैं। और ये देखो, ये बिल्कुल कच्ची है, पकी हुई लौकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो बर्फी है वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा होते हैं। हमें इसे धोकर छील लेना है। ये देखिए, धोकर हमने इसको छील लिया है। अब इसको काटेंगे और इसको पीसेस में देख लिए, काट लिया हमने इसको। और जो इसका हमें बीज का हिस्सा है वाइट वाला, वो हमें अलग करना है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं। अगर हम बीज वाली घी से ही बर्फी बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। ये देख सकते हैं, जैसे आपको बीज दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये छोटे छोटे बीज हैं इसके अंदर। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो बर्फी जो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही हमें सारे पीसेस के बीज वाला हिस्सा निकाल लेना है। देखिए, हमने सारे जो घी के पीसेस थे उनका बीच वाला हिस्सा, वाइट वाला जो बीज वाला है, वो अलग कर लिया है। ये देख सकते हैं आप इसे, ये हमने सारे अलग कर लिए हैं इसमें से। और आप इनको चाहे तो सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये घी लिया हुआ है, हम उसे ग्रेट करेंगे। सारे पीसेस को हमें ग्रेट करना है ऐसे। देखिए, जो घिया है वो ग्रेट हो चुका है। और अब हम इसको बर्फी बनाने के लिए यूज करेंगे। हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। और जो गैस की फ्लेम है वो हम हाई ही रखेंगे, क्योंकि हमें जो लौकी है उसका पानी रिड्यूस करना है, उसको सौते होने तक पकाना है। जब हमारा घिया जो सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट होने तक ऐसे ही रखना है हमें इसको। ये देखिए, जो लौकी है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 750 ml दूध। यहाँ पर हमने फुल क्रीम दूध लिया है हम, क्योंकि यहाँ पर खोए का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप खोए का यूज़ करते हैं तो दूध की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि जो दूध है वो रिड्यूस ना हो जाए, ये कम ना रह जाए इसकी क्वांटिटी। ये देखिए, जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है। और हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है जब हम इसमें दूध डालते हैं तो। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 teaspoon इलायची पाउडर, 100 ग्राम चीनी। आप यहाँ पे चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और इसको थोड़ी देर हमें इसलिए और चलाना है क्योंकि जो चीनी है वो अपना पानी छोड़ती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 drops ग्रीन फूड कलर। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हम यहाँ पे हलवाई जैसी मिठाई बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया। ये देखिए, जो कलर है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और इसमें तब तक पकाना है इसे हमें, जब तक कि ये दूध
बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए। ये देखिए, अब इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि दूध में भी जो होता है वो घी होता है थोड़ा थोड़ा। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। इससे क्या होता है, जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आती है और यहाँ पर उसमें शाइनिंग भी आ जाती है थोड़ी सी। इसे हमें थोड़ी देर भूनना है, जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं उसमें भी हम घी का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, यहाँ पर जो घिया था उसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए बर्फी जमाने के लिए। और आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी खा सकते हैं, ये घी का हलवा रेडी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। अब हम इसको बर्फी को जमाएंगे, तो हमने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई थाली भी ले सकते हैं स्टील की, और उसको हमें ग्रीस करना है। देसी घी से ग्रीस किया है हमने हल्का सा, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं बटर पेपर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी इसमें जमा सकते हैं थाली में या किसी मोल्ड में। और इसको भी हम ऊपर से हल्का सा ब्रशिंग कर देंगे। अब जो बर्फी का मिक्सचर है वो हम इसमें मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से सेट करना है। और इसको आप रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक कि ये जम ना जाए। ये देखिए, बर्फी जो है वो जम चुकी है। अब हम इसे पीसेस में काटेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, जैसे बिल्कुल हलवाई क्या मिलती है वैसा ही कलर है इसका। और हमने यहाँ पर खोए का भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने दो चीज़ों से बनाई है ये, दूध और घिया। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। लेकिन ये नॉर्मली जो बर्फी होती है खोए की, उससे थोड़ी ये सॉफ्ट ही रहती है। आप जो चाहे तो उसको टैप करके डीमोल्ड कर सकते हैं, या आप थाली में जमा रहे हैं तो आप वहीं पर इसके पीसेस करके इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसके सारे जो बर्फी हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका। आप इसको अपनी पसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ कटा हुआ एक बादाम लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी इसमें अपनी पसंद के अनुसार इसको लगा सकते हैं।
ये देखिए सारी बर्फी रेडी हो चुकी है। आप इस जन्माष्टमी पर बनाइए और खुद भी खाइए और खिलाइए। अब यहाँ पर मैंने एक फूड कलर लिया रेड कलर का और इसको पानी में थोड़ा सा घोल लिया और हम यहाँ पर एक स्टिक की हेल्प से यहाँ पर इन सब पे देखिए ये बिल्कुल हलवाई जैसा लुक आ जाता है। यहाँ पर इस पे डॉट लगा दिए यहाँ से, तो आप चाहे कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी। देखिए रेडी है हमारी लौकी की बर्फी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।